प्लांट्स हैं वो गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और शदीद मुतासिर हो रहे हैं। उनके पत्ते जो हैं वो इस तरह सूख सूख के ख़त्म हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, साइमा की दुनिया में वेलकम करती हूँ आपको। जनाब, जितने भी प्लांट्स हैं हमारी तरफ गर्मी जो है अलर्ट जारी हो चुका है कि हीट वेव जो है वो आ रही हैं आगे जून के एंड तक। और छत पे रखे हुए जितने भी प्लांट्स हैं बहुत शदीद उनके पत्ते सब के सूख रहे हैं। चाहे वो मेरे लेमन प्लांट हैं, जितने भी प्लांट हैं, सब्ज़ी वाले प्लांट हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र इनको देना जो है वो इस मौसम में बिल्कुल फजूल है, बल्कि इनके लिए नुकसानदेह है। तो मैं सिर्फ़ इनको ठंडा रखने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ मैं भी आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैं अभी कर रही थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। घर में जितने भी आप लोग तरबूज खाएं तो तरबूज का जो छिलका है उसको इस तरह कटिंग करें और कटिंग करके किसी भी बड़े बर्तन में रख लें। उसके बाद सारी रात इस बर्तन में पानी डाल के मेरा ये भरा हुआ था फुल, जब मैंने डाल लिया बिल्कुल लास्ट उस पर आ गई तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सारी रात इसके अंदर पानी रहेगा तो ये हमारा ठंडा फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार है। डाइल्यूट भी इसको नहीं करना, बस टब भरा हुआ है, इसमें हाफ वाटर मेलन के छिलके आप देख सकते हैं कटिंग करके मैंने डाले हुए थे। सारी रात भीगे रहे और अभी पूरा दिन भी गुजर गया और मैं शाम के टाइम इन पे इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में डाल रही हूँ। छत पे आपके जितने भी प्लांट्स हैं, अगर आपके इलाके में भी हमारी तरह हीट वेव का अलर्ट जारी हो चुका है तो आप लोग भी अपने प्लांट्स को, मैं अपने प्लांट्स को अपने बर्ड वाले केज में रखने का सोच रही हूँ। अगर रखा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस तरह अपने सारे भी जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं उन सबको इस ठंडे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करवाएं और कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को ना डालें। अगर आप लोग इसकी मज़ीद इसको बनाने की लंबे अरसे तक सेव करने की वीडियोस भी चाहते हैं तो फिर मुझे बताइएगा। मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका है, जिस तरीके से इसको फर्मेंट करके बनाया जाता है, मैं वो फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा गर्मी होने के बायस मैं इसको इसी तरह दे रही हूँ। अभी इसमें मैं और पानी डालूँगी और एक दफ़ा इनको और एक रात के बाद अपने प्लांट्स में डाल दूँगी। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब के प्लांट्स जो हैं वो महफूज रह सकें। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।